और आपको पता कमरे के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी हो गई थी, तो मैंने रिसेप्शन वालों को फोन किया और मैंने बोला कि भाई मेरा एसी काम नहीं कर रहा। उन्होंने बोला कि हम इस सीजन के अंदर एसी ऑफ कर देते हैं, तो अगर आपको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है तो खिड़की खोल लो। और खिड़की खोलने के लिए जो एक्शन मारना पड़ रहा है ना, वो मेरे को पता है, मैं आपको दिखाता हूँ। आराम से मेरे को करना है, कहीं मैं नीचे ना गिर जाऊँ। और यार डोंट वरी, मैं नीचे छलांग मारने की कोशिश नहीं कर रहा, टेबल के ऊपर खड़ा हो चुका हूँ मैं। ओके, तो ये रही अपनी खिड़की, और खिड़की खोलने और बंद करने के लिए यहाँ पर बटन दे के रखा हुआ है। अब मेरे को पता ब्रोस कि ये बंदे जो हैं अपने साउथ कोरिया के बहुत ज्यादा एडवांस हैं, लाइक जापान, ये कंट्रीज बहुत ज्यादा एडवांस हैं, ये 2025-2050 में जी रहे हैं। लेकिन अब ये शो ऑफ हो रहा है भाई, ये अपने टेक्नोलॉजी का गलत फायदा उठाया जा रहा है। पानी की बोतल एक दो और तीसरी भी रेडी है, ये चौथी नीली खाली हो चुकी है, ये दो बोतलें जो थी फ्रिज के अंदर पड़ी हुई थी, यहाँ पर ये फ्रिज के अंदर पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चोरी कर लेते हैं, आज दिन बहुत लंबा है तो शायद बाहर काम आ जाए अपने। और चाय का मजा व्यू के साथ में ही है। तो इसको घुमा के ऐसे कर रहे हैं, बिल्कुल च्युइंगम की तरह। सारे काम अभी खत्म हो चुके हैं, पैकिंग वगैरह मैंने पूरी कर दी है, रूम भी अपने एकदम से टाइडी हो चुके हैं। वैसे चेक इन आउट टाइम हमारा 12 था, अभी फिलहाल बज रहे हैं 10, लेकिन चलो कोई बात नहीं गाइस, देख रहे हो ठंडा ठंडा मौसम है, तो काम करते हैं इसी ठंडे मौसम के अंदर। अब ये मत बोलना प्लीज, बरसात होने वाली है यार, हे भगवान प्लीज आ जाता लास्ट दिन, एक दिन और रुक जा प्लीज प्लीज, सिर्फ एक दिन की बात है। अगर कोई है ऊपर, ऊपर वाले फ्लोर की बात नहीं कर रहा, अगर कोई ऊपर है तो प्लीज सिर्फ एक दिन मेरे भाई। ओके, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि आज खतरनाक लेवल की बरसात होने वाली है। तो यार जैसा मैंने बताया कि आज अपना के अंदर लास्ट दिन है, और कल अपनी फ्लाइट है सीधा यूएसए की, और 2 वीक का स्टे है वहां पर, 2 वीक का। भैया मैं ये बोल रहा था कि पैकिंग वगैरह मेरी सारी हो चुकी है, रूम मैंने टैडी अप कर दिया, और अभी हम आपको दिखाएंगे वो वाला सिनेमैटिक जो हर एक व्लॉगर बनाता है। यहाँ के लोग ना बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड है, बहुत ज्यादा। अभी मैं बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ। तो मेरे पास वो जो कल क्रिप्स मैंने खाए थे उसका पैकेट था, उसके अंदर बहुत सारे क्रिप्स जो है बचे हुए थे, और मेरे पास एक ड्रिंक का बॉटल थी, उसके अंदर जो नई वाली ड्रिंक ट्राई की थी ना वो भी थोड़ी बहुत रह गई थी। तो मैं जब नीचे यहाँ पीछे के अंदर रबिश फेंकने के लिए, तो वो बंदा भड़क गया। एक तो मैंने बोतल जो है गलत वाले बिन में डाल दी, और वो रिसाइकलिंग वाला बिन नहीं था, तो वो बोलता है कि भाई तूने ये बोतल जो है गलत वाले बिन में डाली है, इसको डालो रिसाइकलिंग बिन में। तो मैं उसको समझा रहा हूँ कि भाई मेरे को नहीं पता, उसके ऊपर कोरियल लिखी हुई है, अब मेरे को नहीं पता कि कौन सा बिन किस चीज का है। और उसके बाद एक बार फिर से भड़क गया वो, इस बार ये भड़का पता क्यों, क्योंकि मैंने क्रिस्प और ड्रिंक छोड़ दी थी। तो खत्म कर दिया भाई, पहले खत्म करो फिर बिन में डालो। सबसे पहले सुबह का काम आपको तो पता है, कॉफी। एक कॉफी की शॉप मिली वो भी बंद, लेकिन चलो कोई बात नहीं, कहा जिस ओके अपनी गाड़ी ये खड़ी, तो उसको भी फटाफट से पहले अनलॉक कर लेते हैं। और अभी सीधा चलते हैं सियोल, यहाँ की कैपिटल सिटी, यहाँ का जो रिसेप्शनिस्ट, और मैं इधर से क्यों बैठ रहा हूँ, मेरे को लगा मैं घर में घूम रहा हूँ, मेरे को वहां से बैठना है। तो अपना जो रिसेप्शनिस्ट था ना, उसने मेरे को बोल कर रखा कि भाई कुछ भी कर, लेकिन सियोल के अंदर ड्राइव मत करियो, बहुत रश होता है और वो रश 24 घंटे होता है। तो गाइस मैंने प्लान बना कर रखा हुआ कि मैं सियोल के अंदर जाकर ना कहीं गाड़ी पार्क कर लूंगा, पे कर लूंगा उसके ऑब्वियसली, तो गाड़ी पार्क करके वहां से टूर बस लेते हैं। टूर बस मेरे को पूरा सियोल घुमाएगी भी सही, और उनको पता भी होता है कि कहां से जाना है, कौन सा सस्ता रूट है, कौन सा फास्ट रूट है, कैसे जल्दी पहुंचेंगे, तो सारा ट्रैफिक भी अवॉइड हो जाएगा और एकदम हम पूरा टूर भी कर लेंगे। तो चलो अभी निकलते हैं। और अभी गाइस मैंने गाड़ी यहाँ पर एक पार्किंग के अंदर खड़ी करके रख दी है, और मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि मैं अपनी गाड़ी वापस कैसे ढूंढूंगा। और फिलहाल गाइस मेरे को ढूंढना यहाँ पर एक एप्पल स्टोर, क्योंकि मैंने जो तार लेकर रखी थी ना लोकल शॉप से, वो भैंस की 5 घंटे ले रही है चार्ज होने में। और तभी मैंने सोचा गाइस ये फालतू के काम छोड़ते हैं और एकदम जेन्युइन स्टोर से तार लेते हैं। लेकिन भैंस की स्टोर कहाँ पर है यार। हाँ मिल गया। तो ये ब्रोस केबल अपनी सोल्डर हो चुकी है, एकदम ब्रांड न्यू है, तो ये मस्त चलने वाली है। केबल की कॉस्ट थी 45,000, दुबिन कंडल दुबड़े 45,000 की केबल पड़ी, तो आई थिंक तकरीबन मेरे से इन लोगों ने 20 पाउंड लिए। और ये मेरी गाड़ी यहाँ खड़ी है, इसको बाहर कैसे निकालना ये मेरे को पता। तार खोलने के बाद मेरे को पता लगा कि पागल एप्पल वालों ने मेरे को 2 मीटर की तार देकर रखी हुई है। और अभी मैं यहाँ पे इनके दूसरे स्टोर के अंदर आ चुका हूँ, और सबसे पहले मेरे को जाकर ये तार चेंज करवानी है। इसकी क्या मस्त बिल्डिंग बनी है यार यहाँ पर। तो ये रही अपनी एक और नई केबल, चोमू लोगों को एक जॉब ने देख रखी थी, वो भी गलत कर दी इन लोगों ने। और एनीवेज अभी सब सेट हो चुका है, अभी जगह घूमते हैं। भाई साहब दिवाली खत्म हो गई है, सफाई अब कर रहे हैं। आए हैं तो वेंडिंग मशीन से ड्रिंक को लेके जाएंगे ही जाएंगे। यार ट्राई करूं
मैं ट्राई करने वाला हूँ एक ये पेप्सी कोला, क्योंकि ये वाली पैकेजिंग मैंने कभी देखी नहीं है, और एक चॉकलेट मिल्क। हैंग कर सकते हैं, सारे डब्बे खुले हुए हैं। ये मेरे को खुले डब्बे नहीं चाहिए भाई। अबे ले ले पैसे, क्या ड्रामे है तेरे भाई। अगर मैं इसको प्रेस करूँ तो ये मेरे को बता रहा है कि इसकी कॉस्ट है 800, लेकिन जब मैं भैंस के पैसे डाल रहा हूँ तो पैसे ले ली रहा नुपड़े पैसे। यार नहीं, मशीन खराब है या कुछ फंड है, कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को, ये पैसे ले ही नहीं रहा अभी ना। मैं थोड़ा बहुत अनहर्ड हो रहा हूँ, कुछ भी नहीं चल रहा यार, एक गलत बात है। पर एनीवेज अभी यहाँ से मेरे को बस पकड़नी है, और वो रहा टावर देख रहा ना, ये किधर गया, उंगली किधर आई है, ये वाला टावर मेरे को देखने जाना है अभी। 420 तो मेरे को 420 वाली बस नहीं पकड़नी, पकड़नी है बस नंबर 1 जो की आई थिंक आने वाली है। लेट्स गो। अभी गाइस बस के अंदर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम पड़ गई, गाइस बस के अंदर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम पड़ गई थी, तो बस के अंदर कैश भी अलाउड नहीं है और कार्ड भी अलाउड नहीं है, तो मैं फंस गया। तो मेरे को ये दो लेडीज मिली, इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, इन्होंने बोला कि चलो तेरे पैसे हम दे देंगे, तू चला जाइए ऊपर। बोला था ना यहाँ के लोग जो है बहुत ज्यादा अमेजिंग है, और मैं कुछ चीज खाता हूँ। ये देख रहे हो दूर दूर तक सिटी, भाई साहब होटल ही होटल, घर ही घर, पब्लिक ही पब्लिक। असली भी तो बिल्कुल अपने पीछे है यार, देख रहे हो इतना यहाँ पूरा आसपास और उस तरफ भी है, इतने सारे लोग फोटो खिंचा रहे हैं। तो भैंस की हम भी यहाँ पे खड़े होकर थंबनेल के लिए खिंचवा लेते हैं। ये पोज मार, पोज ही मारो भाई, ये देखो ये सही है। भाई साहब जितना मैंने सोचा था ना उससे ज्यादा बिजी लग रहा है, ये देखो एक एक इंच जहाँ पर भी धरती मिली ना वहाँ पर बिल्डिंग खड़ी कर दी इन लोगों ने। अभी आप लोग खुद ही इमेजिन कर लो कि यहाँ पर कितने लोग हैं, इसके वो देखो पीछे तक जा रहा है यार, सब ने अपने ताले बांध कर रखे हैं यहाँ पर। ये पेड़ कितने मस्त लगते हैं यार, ये देख रहे हो, और ये देखो मेरे ऊपर पत्ता गिरा, ये देखो अभी गिरा फ्रेश पला वहाँ से गिरा, हवा के कारण जब ये हिलते हैं ना तो नीचे जो छोटे छोटे पत्ते हैं ये देख रहे हो ऊपर, ये सारे नीचे गिरना शुरू होते हैं, ये देख रहे हो, और कुछ ही टाइम के अंदर ना पूरा फ्लोर भर जाएगा और ऐसा लगता है कि जैसे बर्फ पड़ी हो, बिल्कुल वैसी जैसे मैंने गेम्स में जापानीज कार्टून, साउथ कोरियन कार्टून और एनिमेशन में देखा था ना। हर एक बनने के ऊपर जो है यहाँ पर ताले लगे हुए हैं, मेरे को लगा था कि पीछे उस तरह जो सेक्शन था ना फिर उसी पर ही है, लेकिन नहीं, ताले ही ताले भाई, तालों का बिजनेस खोलना यहाँ पे बेस्ट होगा। और ये है इस तरफ का व्यू, है ये कौन सा टावर है, इसको मारते हैं गोली। और ये है इस तरफ का व्यू, उस तरफ का व्यू मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, और अभी आता है ये फिर से एक बार फिर से दूर दूर तक, जहाँ मर्जी देख लो लाइक स्काई स्क्रेपर्स ही बने हुए हैं। अभी जो है ना यहाँ पर टाइम अब तक खत्म हो चुका है, यहाँ पर चलते हैं, बहुत सी चीजें मैंने यहाँ पे जो थी देख ली है, अभी सिर्फ एक चीज मेरे को देखनी है, वो सामने देख रहे हो। तो ये यहाँ की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है, ये वाली देख रहे हो ना, सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है, तो बाद में जाकर ये भी चेकआउट करनी है, और उसके बाद वो वाली बिल्डिंग चेकआउट करने के बाद ना सीधा होटल के अंदर जाना, और मैंने अभी तक कुछ बुक भी नहीं किया। में जाने से पहले ना खाना कुछ पकड़ लेते हैं खाने पीने के लिए। खैर ये भी चिकन नहीं है, ये भी चिकन नहीं है, ये भी चिकन नहीं है, भैंस की खाने पीने के लिए इतने ऑप्शन इनके पास नहीं है यार। तो काम करते हैं, ये उबले अंडे ले लेते हैं, और साथ में कोक भी, यार बहुत टाइम हो गया यार कोक ली भी मैंने। एंड ब्रोस बैक इनटू द कार यार, ये रहे मेरे अंडे, ये रही पेप्सी। वैसे अगर देखा जाए ना तो ये उबले अंडे वाला आईडिया एक्चुअली नॉट बैड है, यू नो ये किसने सोचा है, जबरदस्त आईडिया ये। ऑब्वियसली अंडे होंगे, इसके अंदर कौन सा खजाना बसा हुआ है। अभी अंडे को तोड़ने की निंजा टेक्निक, ठीक है देखा उड़ गया। अभी मेरे को जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है, क्योंकि बहुत ज्यादा बिजी जगह है, हर एक जगह पब्लिक पब्लिक, और कहीं पर भी गाड़ी खड़ी करना अलाउड ही नहीं है भाई। मेन प्रॉब्लम पता क्या है, कोई भी चीज इंग्लिश में नहीं है, लाइक कुछ भी इंग्लिश में नहीं है, कोई भी इंग्लिश नहीं बोलता, उनको हेलो भी नहीं आता। और चलो ये बात सही है, ऑब्वियसली मेरे को बहुत सारी कंट्रीज में जाने का मौका मिला है और वहाँ पर भी लोग इंग्लिश नहीं बोलते, लेकिन वहाँ पर एडवांटेज पता क्या है, वहाँ पर गूगल मैप्स चलते हैं, और मैं गूगल मैप्स की हेल्प की वजह से मैं कहाँ घूम के आ जाता हूँ। और यहाँ पर गूगल मैप्स भी जो है कर रखे हुए हैं, तो वो आप यूज नहीं कर सकते, इनका अपना मैप है नेविगेशन सिस्टम, लेकिन वो इतना एडवांस नहीं है, एक एक चीज जो है एक्यूरेट लिखनी है तब जाके वो एड्रेस बताएगा। तो पहले मेरे को गूगल के ऊपर सर्च करना पड़ता है, फिर वो मेरे को यहाँ पर टाइप करना पड़ता है, फिर तब जाके मैं वहाँ पर पहुंचता हूँ, और वो भी 50 मुश्किलें झेल के, बट फुल ऑन एंजॉय हो रहा है। तो ये अभी मेरे को फिलहाल ये स्नैक्स खाने हैं, मेरे को बहुत ज्यादा भूख लगी है, ये सिर्फ हल्की हल्की भूख मिटाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था, आपने देखा दुकान के अंदर लाइक कख नहीं है। पर एनीवेज Bruh.
और अभी गाइस मैं आ चुका हूँ टावर वाली बिल्डिंग के अंदर, वो जो लंबी वाली बिल्डिंग थी ना, लाइक द टॉलेस्ट बिल्डिंग, उसके अंदर आ चुका हूँ। और अभी मेरे को पता लगा कि उसके अंदर बहुत बड़ा मॉल बना हुआ है। अभी गाइस चमचमाती हुई लाइफ को छोड़ते हैं, मॉल शॉपिंग को छोड़ते हैं और ये देखते हैं। ये देखो की फिट ही नहीं आ रहा फ्रेम में, इतनी ऊंची बिल्डिंग है भाई, ऐसी गर्दन में मोच पड़ जाकर ऊपर देखूं तो। ये अजूबे को यहाँ पर बैठा के क्यों रखा है समझ नहीं आ रही। ये वाला भालू जो मेरे पीछे देख रहे हो ना, ये आई थिंक ये टॉय स्टोरी की मूवी में था, विलन का रोल इसने किया था। क्या साइज है बिल्डिंग का यार। तो भाई इस बिल्डिंग का नाम है लोटा टावर। जिस बंदे ने भी ये बिल्डिंग बनाई होगी ना, मैं कसम से कह रहा हूं वो लोटा लेके सड़क पर आ चुका होगा। अज्जू है कि पीछे से हवा भरी जा रही है, देखो पीछे। मोस्टली मैंने यहाँ की सारी चीजें ट्राई कर ली है, लेकिन एक चीज ट्राई नहीं की, मैकडॉनल्ड। एक काम करते हैं, इसी मॉल के अंदर जो पीछे जो मॉल बना हुआ ना लोटे मॉल, इसके अंदर मैकडॉनल्ड्स की ब्रांच है, तो फटाफट जाके वहां से कुछ ना कुछ पकड़ते हैं। अभी ब्रोस वी आर बैक इनटू द कार। पहले सीट थोड़ी पीछे कर लेते हैं। बार बार फोन क्यों खुदकुशी कर रही है भाई, मैंने सीट भी तो पीछे की है। और सबसे पहले आता है अपना ड्रिंक, जो कि ऑब्वियसली आपको पता है पेप्सी या कोक होगा, तो ये सिंपल। उसके बाद आता है हमारा बहुत बड़ा थैला, लाइट जलाए, रोशनी आनी चाहिए मुख पर। और थैले के अंदर आता है एक और थैला, और इस थैले के अंदर है पर्चियां, मेरे को नहीं चाहिए, नैपकिन भी नहीं चाहिए। इस थैले के अंदर एक और थैला, क्या कर रहे हैं भाई। और इस थैले के अंदर होगा असली माल, तो ये है चिकन नगेट्स भाई। हेलो, इतने बड़े हुए वो। थोड़ा बहुत ना लाइक टेस्ट का डिफरेंस है, ये हल्के से स्पाइसी है, लाइक हल्के से एक्स्ट्रा स्पाइसी है, और कुछ नया फ्लेवर यहाँ पर मिला हुआ है। उसके बाद मेन थैला, इसके अंदर क्या है, टिश्यूज। और उसके बाद आते हैं गाइस अपने चिप्स। ये ताली मर गए हैं मेरे को देख के, तो अगर ये दोनों को निकाल के और मारूं तो ओ माय गॉड भाई, इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा अलग है, देसी घी में तले होंगे। और अभी आता है अपना रैप भाई, लगता है मैंने पूरा मेन्यू ऑर्डर कर लिया। तो ये है सी फूड रैप, लाइक मैकडॉनल्ड्स के अंदर सी फूड रैप मिलता है मेरे को पता भी नहीं था, तो ये एक टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस और एक टोटली नया एक्सपीरियंस होगा। ये देखो रैप फिरौती खत्म हो गया। और तो ये रहा अपना रैप। फाइनली अपना बर्गर भाई। गाइस बहुत टेस्टी है यार, मैं ये खत्म करके फिर आता हूँ। दो घंटे ड्राइव करने के बाद मैं फाइनली अपने होटल के अंदर आ चुका हूँ, और मेरा कमरा नंबर है 901। इसको खोलो और ये कार्ड कार्ड जाएगा यहाँ पर। तो ये जो चीजें मैं साथ में लेके आया था वो कुछ भी काम नहीं कर रहा यार, पता नहीं कौन सी पॉलिसी है इनकी, कैसी सिस्टम है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। सबसे पहले मेरा कार्ड काम नहीं कर रहा, कोई मेरा कार्ड काम नहीं कर रहा, बस मेरे पास बचे कुछ पैसे बचे हुए हैं, वो खत्म हो गए तो मेरे को पता नहीं क्या करना पड़ेगा। मैंने भी दूसरा कार्ड यूज किया है, और दूसरा कार्ड को काम नहीं करना था लेकिन वो काम कर रहा है। ओ माय गॉड, मेरे को बहुत परेशानी हो रही है। और दूसरी बात, सुबह सुबह मेरे को गाड़ी के अंदर पूरा पेट्रोल डालना है, एकदम गाड़ी फुल करनी है, और ये बैटरी काम नहीं कर रही। ओके, तो मेरे को पूरी गाड़ी सुबह सुबह फुल करनी है, और मेरे को पता नहीं कि वो मैं गाड़ी कैसे फुल करूंगा। बट एनीवेज गाइस, अब मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूं एकदम, अभी आराम करते हैं। और ये रहा मेरा कमरा, तो ये मैंने स्पेशली डिलक्स वाला कमरा बुक कर रखा है, एकदम बढ़िया। तो आते खतरनाक है यार, तो अपनी गाइस अपनी खतरनाक वाली स्टोरेज, साथ में खाने पीने का सामान जो कि मेरे को ऑब्वियसली नहीं चाहिए, सिंक भी लगा हुआ है, वॉशिंग मशीन भी लगी हुई है, भैंस की यार। नाइस, ये रहा मेरा ये सिस्टम, ये रहा मेरा किंग साइज बेड, आई थिंक किंग साइज से भी काफी बड़ा है। और ये रहा मेरा बाहर का व्यू, अब ऑब्वियसली गाइस आपको व्यू नहीं दिख रहा, और मैंने बुक किया सी व्यू भाई। सुबह उठ के भाई मेरे को यहाँ पर सी व्यू देखना है। अपना खतरनाक वाला टीवी यहाँ पर पड़ा हुआ है, और फाइनली अपनी फ्लाइट है करीब 4 बजे, और चेकआउट टाइम यहाँ से 11 बजे, तो 11 बजे चेकआउट वगैरह करके आराम से यहाँ लोकल घूम फिर के सीधा चलेंगे एयरपोर्ट। और मेरे को पता नहीं गाड़ी के अंदर पेट्रोल कैसे डालना, लेकिन कोई बात नहीं, कल फिगर आउट कर लेंगे। लेकिन मैंने एक और चीज फिगर आउट की, मेरी गाड़ी रिमोट कंट्रोल से चलती है, वो की से चलती है, वो हम कल टेस्ट करेंगे। चलिए छोटे से ब्लॉग इतना काफी है, मेरे को बहुत मजा आ रहा है, फुल एंजॉय करो अपनी ट्रिप। अगर आपको मजा आ रहा है लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो में, बाय।